गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारेक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारेक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ, वो पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, दो ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया। और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसे ही फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसे ही एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है, तो डिमांड के मुताबिक $2,00,000 प्लस 4 पैराशूट कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। FBI ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में FBI ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।